अगर आप उन्हें सम्मान देंगे तो ही आने वाले टाइम में आपको भी सम्मान मिलेगा ना। जो करोगे, जो बोगे वही काटोगे, तो जो करोगे वही बात में पाओगे। सो वन मोर टाइम आई रिक्वेस्ट यू, आई इंसिस्ट यू, रिक्वेस्ट नहीं, अगर आप चाहते हैं कि उस मुकाम पर पहुंच रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके भी सपने साकार हो, अगर आप चाहते हैं कि जिन्होंने आपकी जिंदगियां बदली हैं उनके स्वागत में जोरदार तालियां होनी चाहिए, तो दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। ऑल टुगेदर, यानी दो चार दस लोगों की तालियों को मुझे जोरदार दिखनी है, बाकी ऐसे ऐसे हैं। चलिए तालियों के साथ एक बार शोर भी बजा देते हैं। ऑल टुगेदर, सो गेट मी, 1 2 3। Zona Nari Misat, much better!
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच भाई, झाक लेता हूँ ना थोड़ी अभी। सबसे पहले आप सब लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार, और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं एसलीपीएस परिवार के, मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। आमने सामने होते तो बात कुछ और होती, पर लाइव में भी बात कुछ और ही होगी, चिंता मत करो। आप लोगों ने आज साबित कर दिया कि एसएलपीएस जो कहती है वो करके दिखाती है, और जितने भी भाई बहन माता पिता समाज लोग हमें लाइव सुन रहे हैं देख रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार, हाथ जोड़कर नमस्कार, और उनके माता पिता के चरणों में नमस्कार, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया है जहां पर सिर्फ संस्कार सिखाए जाते हैं, जहां पर गद्दारी नहीं सिखाई जाती, मक्कारी नहीं सिखाई जाती, जहां ईमानदारी सिखाई जाती है। और एसलीपीएस में जो भी फाइटर काम करता है उसको मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो ईमानदार है तो एसलीपीएस में टिकेगा, और बेईमान है वो बाहर चला जाएगा। तो सभी लाखों लोग जो 1000 वेन्यू पे बैठे हैं, आप लोगों ने कमाल किया, एक नया इतिहास लिखा। सब लोग सोच रहे थे एसएलपीएस वाले महोत्सव में पड़ा कूदते फांदते, देखो भाई हमारे साथ तो हर साल चैलेंज आता है, पिछले साल राम मंदिर, इस साल कोरोना बाबा, पिछले साल 9 तारीख को राम मंदिर का फैसला आया था, धारा 144 लगती तो कहां से फंक्शन होता। पर फिर हमारा जो बाबा बैठा है ना, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है, वो बाबा डाउन हो जाता है और फेल हो जाता है, बाबा डाउन हो जाता है, फेल हो जाता है। आज भी जहां सोच रहे थे अगली साल 60,000 लोग बैठेंगे, अरे 1.5 लाख लोग बैठे, दुनिया वालों आंखें खोल कर देख लो, 1.5 लाख लोग बैठे। इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए 6 साल बेमिसाल तक लाने में मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है दोस्तों, मैंने तो सिर्फ सपना देखा था, कुछ लोगों के साथ काफिला जुड़ता गया, आप जैसे अच्छे लोग साथ आते गए। मैं गर्व से कह सकता हूं कि एसएलपीएस का हर एक फाइटर ईमानदार है, जाबाज है, सच्चा है, शूरवीर है, और मेरा एक दिल है, कितनी बार जीतोगे, बार बार जीत लेते हो, और बार बार मैं नतमस्तक हो जाता हूं। छह साल यहां तक पहुंचने का जो सफर है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, आप सबका, एक एक फ्रेशर का योगदान है, हर उस व्यक्ति का योगदान है जो एसएलपीएस को जानता है, जो हमारे बारे में नेगेटिव बात करता है उसका भी योगदान है, कम से कम हमारी कंपनी का नाम तो बताता है किसी को। और जो हमारे साथ है उनका तो बहुत बड़ा योगदान है, और उस योगदान का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी कंपनी के ऑपरेशन डायरेक्टर मिस्टर मामचंद जी को, जो हमारे पीछे मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं, अनिल पुरी जी को जो मार्केट में जा जाकर लोगों को ट्रेन करते हैं, और कंपनी के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर महिपाल सिंह जी को, जिन्होंने इंडिया में नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इतने कम समय में इतनी अचीवमेंट लेके, शिव कुमार जी को, रामवीर जी को, अनुज को, अमित दुबे जी को, भंडारी जी को, कुणाल को, मदनलाल जी को, सारे ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड स्टार, सफायर, सफायर, रूबी, टोपाज, एमराल्ड, प्लैटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, हर एक वो व्यक्ति जो एसएलपीएस को जानता है यहां तक पहुंचाने में उन सबका योगदान है दोस्तों, उन सबका योगदान। yes. 6 साल बेमिसाल कर दिया तुमने कमाल, मच गया डायरेक्ट सेलिंग में धमाल, yes! लोगों के हाथ में पकड़ा दिया आंसू पोंछने के लिए रुमाल। देखिए, मैंने ऐसे बोला था सेकंड शो में, मुझे थोड़ी पता था मैं कोई भगवान तो नहीं। अच्छा, वो बोला भी जोर जोश में था, मुझे नहीं पता लाइव होते कैसे, मैं सीधी बात बताऊं, मैं तो टेक्निकली बड़ा फेलियर आदमी,
बस वो तो मेरे जोश जोश में दूसरी साल का शो चल रहा था तालकोटर में, भारी आवाज अंदर से, मैंने बोल दिया कि ऐसा होगा, पिक्चर हॉल बुक होंगे, हजारों होटल बुक होंगे, दिल्ली में शो चलेगा, लोग लाइव देख रहे होंगे, देख रहे हैं भाई। इसलिए कहता हूं सच्ची नीयत से, नेक नीयत से, ईमानदारी से, सच्चाई से, बिना लोगों को ठगे, बिना बेवकूफ बनाए, अगर यहां से कोई आवाज दी जाएगी तो वहां पर उसकी सुनवाई जरूर होगी। 100% परमात्मा वो सारी चीजें करता है। अब परमात्मा को कंपनी बढ़ानी थी, ये लाइव शो करना था, करोना बाबे भेज दी। मैंने खूब समझाया बेरोजगार लोगों को, भाई रोजगार डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, बोला रहने तो डायरेक्ट सेलिंग। भाई बीमार आदमी को समझाया आयुर्वेद में रिजल्ट मिलता है, ठीक हो जाएगा, बोला रहने दे आयुर्वेद। अब करोना बाबा ने समझाया तो समझ आ गई। अब करोना बाबा बोला कि आयुर्वेद यूज करोगे तो कोरोना से बचोगे, और बेरोजगार को बोला डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो सपने पूरे करोगे, कभी रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ग्रोथ आई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 6 महीने में, मैं ये नहीं कहता हमारी कंपनी में, तकरीबन लोग जानने लगे, समझने लगे, अब यहाँ प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं। मेरा बेटा अमेठी यूनिवर्सिटी में एलएलबी करता है, तो इसके साथ जितने भी इसके दोस्त पढ़ते हैं वो सब करोड़पति अरबपति के बच्चे। मुझे कल बता रहे पापा मेरी यूनिवर्सिटी में सारे मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। बोला बेटे तू क्या कर रहा है, ज्वाइन करा तुम, बोला दूसरी कंपनी में कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड आ गया, लोग समझने लगे, आप लोग भी समझो कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने इस पैंडेमिक माहौल में वो करके दिखाया, जहां पर लोग एक एक रुपए के मोहताज हो गए थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले रुपए उड़ा रहे थे, उड़ा रहे थे, उड़ा रहे थे। लोग एक एक रुपए कमाने की सोच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले खर्च कर रहे थे। लोग गाड़ियां बेच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले गाड़ियां खरीद रहे थे। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। तो मजा आ रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये 6 साल जो हुए हैं ना, जब एक बैट्समैन बैटिंग करता है तो जब तक छक्का नहीं लगता तब तक ही डरता है, एक रन दो रन तीन रन ले लेके धीरे धीरे टाइम निकालता है, पर एक बार छक्का लग जाता है तो दिल खुल जाता है, अब तैयार हो जाओ छक्के पे छक्के, अड्डे पे अड्डे, दस्से पे दस्से, बारह पे बारह। यहां तक पहुंचना मुश्किल था, इससे आगे पहुंचना आसान है। कुमार विश्वास जी मेरे कान में बोले तेरी कंपनी की पोटेंशियल मुझे 1,00,000 करोड़ की लग रही है। 1,00,000 करोड़ की पोटेंशियल डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी की एक व्यक्ति विशेष, एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को लगी, आज वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था दोस्तों। कल क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं ऐसे लोगों से मंगवाना चाहता हूं जो ऐसी प्रतिष्ठा रखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले भी 1,00,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है, और उसमें काम करने वाले 100-100 करोड़, 1,000-1,000 करोड़ के लीडर बन सकते हैं। ये बात मैं हिंदुस्तान के हर प्रतिष्ठित आदमी को मंगवाना चाहता हूं, इस बात एक व्यक्ति बोल के गया। लेकिन तकलीफ सिर्फ जब होती है जब यह लोग आके फेलियर हो जाते हैं, जब बहुत तकलीफ होती है। फेलियर होने के बहुत सारे कारण हैं, हम स्टेज के माध्यम से मैं सारे नहीं बता सकता आपको, क्योंकि फेलियर होता कौन है, डायरेक्ट सेलिंग करता कौन है, जिसको रियल जरूरत है, असली पे स्वयं कौन करता है, जिसको नीड है, जिसके परिवार में जरूरत है, जिसके सपने है, जिसके घर में तकलीफ है, प्रॉब्लम है, ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। और जब वो लोग फेल हो जाते हैं ना, तो मेरे दिल पे बहुत लगता है, मेरे एकदम से मैं कह रहा हूं, मतलब मैं ब्लेंडर स्ट्रेस में आता हूं कि यार अगर अंबानी का बेटा आके यार फेल हो जाए, किसी करोड़पति का बेटा आके फेल हो जाए समझ में आता है, पर एक गरीब किसान का बेटा आके यार फेल हो जाए समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं कामयाब होने का। एक रास्ता जो परमपिता परमात्मा ने बनाया था वो उसको मिला, और वो अपनी बेवकूफियों के कारण या अपनी ना समझी के कारण या फेल हो जाता है दोस्तों। और ये जब फेलियर आता है ना, ये दिल पे लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि हमें और आपको, हम मिडिल क्लास लोग हैं, इस इंडस्ट्री के सिवा हमारी पहचान, हमारा सम्मान, हमारा मान, हमें पैसा कोई नहीं कमा सकता। तो मैं यहां दिल्ली से जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त,
बहुत मुश्किल से मिलती है ये इंडस्ट्री, बहुत किस्मत वालों को मिलती है इंडस्ट्री। हम कोई बीटेक एमटेक आईपीएस आईएएस नहीं है मेरे भाई, हम मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीबों के बच्चे हैं। हमने सफर साइकिल पे जिया है, हमने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, हमने नॉर्मल जिंदगी जी है। अगर हमें ये धंधा मिल गया तो पीछे मत हटना, डटे रहना, मैदान छोड़ना। चार साल अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेना, शॉर्टकट में बताता हूं, जो सिखाता है सीखना, जो समझाता है समझना, खुद को जीरो समझना, अपलाइन को हीरो समझना। मैं लिख के दे सकता हूं, जिस गरीब आदमी ने हाथ एसलिपस के हाथ में दिया उसको अमीर ना बना दिया तो उसने बाप की औलाद नहीं। मैंने ये कंपनी दिमाग से नहीं बनाई, ना ही मेरा दिमाग चलता। मैंने जितनी बातें बोली दिल से बोली तो सारी सच होती है, दिमाग नहीं लगाया है। मैंने यहां से बनाई है कंपनी, मैं कंपनी नहीं समझता, इसे पूजा करता हूं मैं इसकी। अब सारा हमारा इतना बड़ा श्रोता हरामजादे कुत्ते जो बाहर बैठे हाय मार रहे हैं, कल से मुझे बुखार हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुई, सुबह मेरी उंगली पिच गई, मतलब पूरी कोशिश कर ली कि आदमी शो में ना जाए, तुम्हारा फूफा फिर भी आया। जितनी हायत लगानी है लगाओ, जितनी हाय लगानी है लगाओ, साला दुनिया जीत के दिखाऊंगा। वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी ना बना दी संजीव कुमार ने, रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी ना बना दी, वर्ल्ड की नंबर वन, वर्ल्ड की नंबर वन। अपने बाप की औलाद नहीं है बेटा, अपने बाप की औलाद नहीं, वर्ल्ड की नंबर वन, वर्ल्ड की नंबर वन, वर्ल्ड की नंबर वन, वर्ल्ड की नंबर वन। के मालिक को सुनना वो सुन ले, हर्बल लाइफ के मालिक को सुनना सुन ले, साले छक्का बस इसका इंतजार था, बैटिंग चालू हो चुकी है। मुझे नहीं आता लोगों का यूज करना, कड़वा हूं, गालियां तक दे देता हूं अपने लीडर को, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। वो साले अमुता के बोलते सर दी, बड़ा मजा आया। हिंदुस्तान का पहला ऐसा एमडी हो कि लीडरों को गाली देता हूं फिर बोलते सर बहुत दिन हो गए गाली दूं ना। या अविनाश कला के बोलता है मेरे को सर इस शो को कैसे करूं, मैं बोला आपने गालियां नहीं बकी, गाली बकोगे तो अच्छा शो कर दूंगा। जमान से कड़वाऊ लेकिन यहां से कभी नहीं सोचा किसी का नुकसान कर दू, प्रोडक्ट का रेट फालतू में बढ़ा दू, प्लान में कुछ चेंज कर दू, लोगों का खा जाऊं, लोगों का हजम कर जाऊं, लोगों के पैसे पी जाऊं, कभी नहीं सोचा। हमेशा ये सोचा मैं ज्यादा किसे दे सकता हूँ, मैं और ज्यादा क्या कर सकता हूँ। अभी पहला चेक नहीं आता था बिना केवाईसी के, मैंने सोचा पहला चेक जाना चाहिए, एक नया बच्चा को पहला चेक ऑनलाइन केवाईसी में आ जाना चाहिए, फिजिकल केवाईसी आए जाना है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस होता है, उसका पहला चेक नहीं होता, वो हजार रुपये उसे करोड़ों में लिखते हैं। मैंने पहला चेक देना शुरू किया, कौन सा एंट्री देता है, 90% जितने बाजार में बैठे हैं साले बढ़िया बुद्धि के लोग हैं, 24 घंटे बढ़िया एग्री करते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं, इधर से चूस ले, इधर से चूस ले, इनका खून निकाल ले, इनका खून चूस ले, इनसे काम करा ले, अपना मुनाफा दे, कंपनी को बड़ी बना। किसने सोचा था कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में, एक एग्जाम्पल तो नहीं हमें आप क्यों, क्योंकि किसी को समझ नहीं आई इंडस्ट्री क्या है। मैं भी लालची था, झूठ नहीं बोलता, मैं भी इस कंपनी को खोला पैसे कमाने के लिए था, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, ये सच्चाई है। लेकिन जब मेरे इस कंपनी में सफर बढ़ता रहा, आगे मैं बढ़ता रहा, लोग कामयाब होते रहे, पैर छूना, प्यार करना, गुरु जी आपकी से जिंदगी कुनार गले लगता है तो रोने लग जाता है, मैं इतना सारा अचीवमेंट पाता था, इतना प्यारा मैसेज भेजते, सारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा यार ये क्या बन गया तुझसे, लालच लालच में क्या बन गया, लालच लालच में एक मंदिर बन गया। लोग ठीक होते हैं, दुआएं देते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं, अरे गुरुजी मैं ठीक हो गया,
मेरे औलाद होगी, मैं बेऔलाद था, मेरे घुटने ठीक हो गए, मेरे ब्लड कैंसर में आराम हो गया, मेरी पैरालाइज ठीक हो गई, मैं भी लालची था, मैंने कंपनी बनाई थी पैसा कमाने के लिए, लेकिन लोगों ने मेरा सोच, मेरा दिमाग जो सोचता था सब गलत साबित कर दिया कि लोगों ने कहा सचिव सर तुम पैसा कमाने के लिए नहीं, तुम तो लोगों के कमाने के लिए पैदा हुए हो। ये मुझे आज भी समझ आता है इंडस्ट्री में कौन लोग आते हैं, ये कोई मजदूरों की फैक्ट्री थोड़ी है यार कि भाई मेरे पास 100 मजदूर हैं उनको निकाल दिया तो दूसरी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाएगी। हाँ है ना, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। यहाँ पर कौन आता है, कोई बीटेक बेचारा, कोई एमटेक, कोई एमबीए, कोई एमए करके पूरी जिंदगी लगा देते हैं बच्चे, सुबह से शाम तक घूमते हैं। उन गरीब बच्चों को देखो जिन्होंने बेचारों के आईडी के पैसे बड़ी मुश्किल से दिए, छप्पर घर में पड़ा है, सुबह ही निकल रहे बाइक लेके झोला धूप में गर्मी में, और साले कंपनी के मालिक अपने लालच के लिए उनका खून चूसते हैं। संजीव कुमार ने नहीं चूसा, इसलिए इनकी आंखों में मैं चुभता हूं। और बेटा मैंने कहा था अभी तो आईना हूं, जिस दिन शीशा बन जाऊंगा दुनिया देखेगी। मुझे समझाते हैं, पहले दिन से समझा रहे हैं, जब से कंपनी बोली लिक्विड प्रोडक्ट मत बेच बर्बाद हो जाएगा, हो गया। ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, मैन्युफैक्चरिंग महंगी है, लीकेज है, ये है, फलाना है, ढिमका है। फिर एक मेरा बड़ा अच्छा शुभ चिंतक, मेरा प्लान होता था कहीं, मैं उसको प्लान समझा रहा हूँ, बोला कितने पैसे बचा लेता है। मैंने कहा सर एक आईडी पे 1000 रुपये मुश्किल से बचते हैं, उनमें क्या करता हूँ, फैक्ट्री उसी में बनाता हूँ, स्टाफ की तनख्वाह भी उसी में देता हूँ, डेवलपमेंट। बोला पागल आदमी, एक आईडी पे 3000 से नीचे बचे तो क्या बचे, ये सोचे लोगों की। और ये सारे मुझसे कॉम्पिटिशन की बात करते, मुझसे कॉम्पिटिशन करेंगे, इनका बाप का बाप भी मुझसे कॉम्पिटिशन नहीं करेगा। अरे मुझे पाठ में आता है, मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, मुझे एसलीपीएस में ऐसा नहीं लगता, मैं इतना अपने बच्चों को प्यार नहीं करता जितना अपने एसलीपीएस के परिवार को प्यार करता हूं। मैंने 6 साल से ना टीवी देखी ढंग से, ना बच्चों के साथ रहा ढंग से, 6 साल से एसलीपीएस परिवार के साथ 24 घंटे लगा हुआ हूं। मुझे गुस्से से साले हाय मार रहे, ना साला मुझे कल बुखार था, ना जुखाम था, दूर दूर तक खांसी थी, कल दोपहर से चलू पता नहीं कहां मंत्र पढ़ रहे बैठ बैठ। कुमार विश्वास जी है बता रहे मुझे, भाई संजीव तेरी कंपनी का नाम आती है, थे मेल इतनी मेल आ गई, मत जाओ, ये है वो है, आप यूथ आइकोन हो। कुमार विश्वास जी खुद बता के गए हमें, आप यूथ आइकोन हो, आपके 2.5 करोड़ फॉलोअर है, आपको इन कंपनी के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। बोला मैंने कही भाई संजीव जिसके शत्रु जाना है इसका मतलब आदमी एक नंबर है। जिंदगी बना देंगे हम आपकी जिंदगी के साथ हैं, मतलब दिमाग लगाए जा रहे हैं। अब भाई हमने तो प्लान बनाया था अपने दिमाग से, किसी का कॉपी किया था क्या, पहले कोई ऐसा प्लान था इस हिंदुस्तान में? हम तो प्रोडक्ट बनाते हैं तो मैं आरएनडी से बनाते हैं, अपने दिमाग से बनाते हैं, अब कॉपी करने में लग रहे हैं। कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपकी जिंदगी के साथ हैं, तुम साले जिंदगी में साथ नहीं हो, मैं तो जाने के बाद में अपने लोगों के साथ हूं। तुम जीते जी जिनके साथ नहीं हो, मैं तो अपने लोगों के साथ मरते तक तो अगर वो दुनिया से भी चले जाएंगे तो एक इंसान है जो उनके परिवार का भरण पोषण पालन करेगा, क्योंकि मैंने दौलत को कुछ नहीं माना, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा माना है, मैंने इंसानियत को मोहब्बत दी है, लोगों को मोहब्बत दी है, लोगों के इमोशंस की कदर करी है। आप ये जो नम होती है लोगों की, मैं उसकी कदर करना जानता हूं, मुझे दौलत से इतनी मोहब्बत ना थी ना है और ना कभी रहेगी। ऐसे होता है, अब हम भी योजना लाए, थोड़ा योजना चला दी, एसलीपीएस ने हम भी कॉपी कर लेते हैं, कि कोई फाइटर दुनिया से चला जाएगा तो ये देखे तो एक तो कंपनी का दूसरा डायरेक्टर साला 6 महीने उम्र नहीं, मैं भी दूंगा। उनका पट्टे अपने घर का दरवाजा तो देख पहले, चाहे वो तो टूटा हुआ देखो, वो तो बदले नहीं, वो ऐसे करना चाहिए, इस तरह करते हो मेरे, करो तो दिल से करो, मैं कहता हूँ करो मुझे कॉपी बनाओ ऐसी अच्छी कंपनियां, दो लोगों को अच्छा भविष्य, मैं तुमसे कंपटीशन भी नहीं करूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, पर दिल से बनाना, दिल से।
दिमाग से नहीं, लोगों का खून चूसने के लिए नहीं, लोगों को भगवाने के लिए बनाना। मैं इज्जत दूंगा उन लोगों को बनावे सिखाऊंगा। कुछ पुरानी पुरानी कंपनी होगी, हमारे लेवल प्लान को देख के लेवल प्लान ला रही है, कभी कुछ कर रही है, प्रोडक्ट को देख के प्रोडक्ट ला रहे हैं, पुराने हो गए सारे। लाला जवानी में इतनी मेहनत करने लेते हैं तो घुटने तो लगी सारे करते बुढ़ापे में, नेटवर्क को चाहते घूम रहे हैं अपना, एसलीपीएस में लोग जा रहे हैं, एसलीपीएस में लोग जा रहे हैं, एसलीपीएस में लोग जा रहे हैं, हम लाने जाते हैं। हम संजीव कुमार ने आज तक एक भी फोन किसी को किया? और मैं आज फिर एक ऐलान करता हूँ इस माइक के माध्यम से, बच्चों मत पड़ो इन धंधों के चक्कर में, कोई नहीं है हमारे टक्कर में। आप सब लोग जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप अच्छी इनकम पा रहे हैं पक्का उसी कंपनी में रहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा डिस्टर्ब होना, ना डिस्टर्ब करना, ये मेरी नीति में नहीं है, मेरे एथिक्स में नहीं है, मेरी ये वैल्यूज नहीं है। अगर कोई भी आदमी अच्छे पैसे किसी भी कंपनी में कमा रहा है, कोई भी कंपनी, आराम से रह भाई, काम कर, पैसे कमा, गाड़ी खरीद, हमारी बेस्ट विशेष तेरे साथ है। लेकिन अगर तुझे लगता है तेरा इस्तेमाल हो रहा है, तुझे लगता है कि तुझे यूज किया जा रहा है, और तुझे लगता है कि तेरे सालों निकलने के बाद आज फेलियर मेरे हाथ में है, तो आज फेलियर मैं बनाऊंगा तुझे अच्छा। उन लोगों के लिए मेरा दरवाजा हमेशा के लिए खुला हुआ है जो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग जैसा इजी काम ही नहीं है। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, कंपनियों की यूएसपी होनी चाहिए। बोलते हो ये तो 6 साल पुरानी है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर 20 साल पुराने वालों के पास नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है जो मैंने आपको एक झलक दिखाई है। इधर से खरीदा इधर बेचा, इधर से खरीदा इधर बेचा, इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग क्या कहते हैं? ट्रेडिंग कहते हैं, इधर से खरीदा इधर बेचा, ये डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ये ट्रेडिंग होती है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? अपना रिसर्च का प्रोडक्ट, अपना आरएनडी कराया हुआ प्रोडक्ट, अपने साइंस लगाया हुआ प्रोडक्ट, अपनी योग्यता से बनाया हुआ प्रोडक्ट, योग्यता से। वो प्रोडक्ट जब बाजार में जाए तो लोग बोले कि मजा आ गया। अगर एक डायरेक्ट सेलर को एक कंज्यूमर बोलेगा तेरे प्रोडक्ट लेके मजा आ गया, पैसे नहीं, सस्ता महंगा, ये सब अकड़म तकड़म, ये जितने भी बाजार में बैठे हैं ये सिर्फ आदमी का दिमाग घुमाने का खेल कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? पैसे नहीं देखता कोई, कोई डायबिटीज वाला पैसे देखेगा? हाँ, जिसके घुटने में दर्द है वो पैसे देखेगा? जिसको बच्चा नहीं हुआ 10 साल से 20 साल से बोला है पैसे देखेगा? जिसकी बच्चेदानी की गाड़ी में रसोली हो पैसे देखेगा? पैसे कोई नहीं देखता, रिजल्ट देखता है। यही कहना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि डायरेक्ट सेलिंग होती है कि जिसको मैंने प्रोडक्ट दिया ना वो डायरेक्ट सेलर ना बने, पर मेरा प्रोडक्ट 10 घर में देख के आए, मजा आ गया भाई एसलीपीएस के प्रोडक्ट में। ये होते एथिकल रियल डायरेक्ट सेलिंग। इधर से लिया, किसी से सर्फ ले रहा है, किसी से साबुन ले रहा है, किसी से चट्टी ले रहा है, किसी से बनियान ले रहा है। डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग होती है, ये बेवकूफ बनाना होता है, ये बेवकूफ बनाना होता है। डायरेक्ट सेलिंग होती है, मैं करके दिखाऊंगा अभी। मैंने कहा ना लग गया ना सिक्स लग गया, तीन महीने गिरती कर लेना आज से 3 महीने। जो प्रोडक्ट तुम यूज कर रहे हो ना, और यूज करा लो 3 महीने, टेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैं सोच रहा पुराना टेस्ट नहीं मिल रहा, 3 महीने चैलेंज इस टेस्ट से कह रहा हूं, इस टेस्ट से 3 महीने डबल रिजल्ट नहीं बढ़ा दिए, डबल नहीं कर दिए तो मेरा नाम संजीव कुमार नहीं, डबल रिजल्ट नहीं कर दिया, रिजल्ट डबल करूंगा। लोग कहते हैं डायरेक्शन वाले रिजल्ट गिराते हैं, मैं रिजल्ट बढ़ा के दिखाऊंगा। और एहसास करना हो ना तो 3 महीने बाद थंडर ब्लास्ट पी लेना, उस रात में एहसास होगा। भाई अपना अपना स्टाइल है काम करने का। ठोके कहते हैं, ठोके करते हैं, आज तक ना पीछे हटे ना कभी पीछे हटे। कौन एमडी लगाता है सारा पैसा कमा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टूट गए, चले डरे रहते हैं कल कंपनी बंद हो गई, कल शिकायत हो गई, कल केस हो गया, तो फलाना हो गया, तो ढिमका हो गया, जड़े की औलाद साल
नहीं डरता भाई, कुछ भी हो जाए चाहे, मैंने जनता कमा रखी है। अगर मैंने गलत नहीं किया होगा, मेरी जनता रोड़ों पे होगी मुझे पता है, अगर मैंने गलत नहीं किया होगा तो। हमने लोग कमाए, लोगों का यूज नहीं किया, मुझे नहीं डर लगता। जितना आता है सारा लगा देता हूं। 30 करोड़ का एक प्लांट तैयार हो रहा है, फिर फूड सप्लीमेंट का प्लांट तैयार हो रहा है, कह रहे तो फैक्ट्री तो बना ली, तो और बना रहा है, और 4 बनाऊंगा, कुछ भाड़ लो मेरे। यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा हमारी कंपनी का, आज बता देता हूं तुम्हें, बाहर का प्रोडक्ट नहीं लेंगे 99%, 1% कोई प्रोडक्ट हो सकता है, 99% मैं बोल रहा हूं। फैक्ट्रियां लगेगी अपनी, टॉयलेट की लगेगी अपनी, लोग कहते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, मैं लाऊंगा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, लेकिन किसान जब फसल में डालेगा ना तो तुम्हें धुआं देगा, और फैक्ट्री होगी अपनी। हर एक फैक्ट्री अपनी होगी, जितने प्रोडक्ट अपन बेचेंगे सब अपन बनाएंगे, सारा पैसा ऐसे वहां लगा दूंगा, नहीं चाहिए एक भी पैसा। आदमी खाली आता है, खाली आ जाता है, नाम लेके जाता है, सम्मान लेके जाता है। संजीव कुमार का एक ही सपना है, दुनिया से जाए 100 साल तक लोग याद करें कि एक शेर का बच्चा सारा हिंदुस्तान में पैदा हुआ। क्वांटिटी में क्या करना, कई बार लीडर आगे बोलते हैं सर ये ले आओ, अरे भाई मैं लेके तो 5600 प्रोडक्ट ले आऊ, रोज कोई आ जाता है ये बेच लो ये बेच लो, नहीं बेच रहा किसी का प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता वो क्या डालता है क्या नहीं डालता, क्या सही है क्या गलत है। आज हमारा रॉ मेटेरियल स्टोर आपने देखा, जाके घूम के आओ, जाकर विजिट करके आओ, जो भी बड़े लीडर है देख के हम कैसे चीजें बनाते हैं। मैंने सारा किसी को नौकरी पे रखा आयुर्वेदिक फैक्ट्री में एक साइंटिस्ट को, तो मैंने कहा मेरा ये प्रोडक्ट है इसमें केसर डलता है, मजाक कर रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो, सारा नौकरी भी दे रहा हूँ मुझे कह रहा है मजाक कर रहे हो, मैं कहा क्यों, बोला केसर आज तक मैंने किसी कंपनी को डालते नहीं, देखा 1.5 लाख रुपए किलो है। बोला मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने किसी को केसर डालते नहीं देखा। मैंने कहा बाबा केसर से ऊपर में अगर कुछ होता हम वो भी डालते, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट के साथ और अपने लोगों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सारा सिस्टम तैयार हो रहा है, एक्सपोर्ट यूनिट बन रही है, एक तरह की बेचेंगे बाहर भी बेचेंगे। गोरे लोग इंतजार कर रहे, गोरी मैडम कहाँ गई, ये गोरी गोरी मैडम, अरे हमें देसी नहीं विदेशी चाहिए, गोली देती रहेंगी या कभी इनसे पूछो तो सी, यार पता जानते नहीं जानते, आज ही क्लियर हो जाएगा भी क्या नहीं मिलते। जैसे वो है ना चप्पल नहीं थी तो क्लियर हो गया, अभी जूते बिकेंगे इनसे, हाँ गई गई अपना खो गई ना तो आईडी लगा देते। अभी तो इनसे फूल ही ले रहे हैं ना, थोड़े साल और दो मुझे, क्योंकि जब बाहर जाएंगे ना तो मेरी जो नीति बाहर जाने की है वो नहीं है जो कंपनियां करती है। लंदन में कंपनी रजिस्टर्ड करा के सर्टिफिकेट डाल दो, बांग्लादेश में रजिस्टर्ड करा के सर्टिफिकेट डाल दो, वर्चुअल ऑफिस ले लो, ये इंडस्ट्री सारी चोरों की है, मैं सही बता रहा हूं, बेईमानों की है, हर टाइम दिमाग लगाते रहते हैं लोगों को बेवकूफ बना दो बस। हमारा ऐसा नहीं होगा, हम जब जाएंगे तो उन प्रोडक्टों के साथ, उस ऑथेंटिकेशन के साथ, उन एथिक्स के साथ, उन वैल्यूज के साथ, उन प्रिंसिपल के साथ जाएंगे। मेरा सपना है कि मेरी कंपनी यूएसए में भी चले, यूएसए गवर्नमेंट भी हमारे प्रोडक्ट अप्रूव करे। कुछ ऐसा करना है जिसमें दोस्तों समय लगेगा, पहले हिंदुस्तान को जीतेंगे फिर दुनिया की बारी। तैयार हो? जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उन्हें हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, सुबह से बेचारे बैठे हैं भूखे प्यासे, लेकिन देखो ये तो खाने की भूख है, मिट सकती है, दोबारा खाना मिल जाएगा, लेकिन जो जिंदगी हाँ मिलती है ना, एक बार ये जिंदगी जीत लो, पता नहीं कैसा कैसा खाना लोग परोस के देंगे तुम्हारे को, कैसी जिंदगी तुम्हारी होगी। दोस्तों वो कह रहे थे ना, शिव कुमार जी कह रहे थे ना, सेक्रीफाइस, हाँ त्याग करना पड़ता है, बड़ा आदमी बनना है तो त्याग करना पड़ता है। जो फिरेगा वो चरेगा, जो फिरेगा वो चरेगा, और जो घर छोड़ेगा वो रिकॉर्ड तोड़ेगा।
तैयार हो? अच्छा, वाकई में आपको लगता है कि हम लोग बिजनेसमैन टाइप लोग हैं? ये दिल से बताओ, लगता है? अपना तबसा नहीं लगता, अपनी कंपनी नहीं लगती? मैं हमेशा कहता हूँ लोगों की कंपनियां होती है मेरे दोस्त, ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि 100 मजदूर निकाल दिया दूसरी फैक्ट्री में चले जाएंगे, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, लाखों लोगों का भविष्य लगा है। मैंने इस कंपनी को पब्लिक कंपनी माना, इसलिए मैं ऐसे काम करता हूँ। मैं इस कंपनी को कभी अपनी कंपनी मानता ही नहीं, मैं कुर्सी पे बैठने पे कभी बहुत ज्यादा खुश होता ही नहीं, क्योंकि कुर्सी पे बैठा है आपने, MD CEO बनाया आपने, नाम बनाया आपने, सम्मान बनाया आपने, पहचान बनाई है आपने। मेरे लिए सर्वोपरि मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा पैसा नहीं, आपका परिवार, आपकी दौलत और आप हो और रहोगे ता उम्र। अपनी सी कंपनी yes. हाँ yes. फिर चला दूं बाहर वालों को yes. 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 चलो दूसरा रुमाल उठवा रखते हैं, फिर एक तो ले लिया था, सुनो 6 साल हो गए नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा सभी लोग लाइव है, ये अहमदाबाद वालों से कनेक्ट करो एक बार। हाँ मिले लोगों से थोड़ी देर, मिले इतने सारे लोग हमारे लाइव देख रहे हैं हमें। हाँ जी, किसे कनेक्ट कर रहे हो? अमृतसर, आप म्यूट करो, अनम्यूट करो आवाज। अरे वाह क्या बात है अमृतसर वाले, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू सो मच। सब लोग फट्टे चको, आस्ट वन म्यूट, अनम्यूट करो। क्या बात है भाटिया जी, चलो आपके वाराणसी जी, जवान आदमी वाराणसी, क्या बात है ओम प्रकाश साहब, क्या हाल है? अरे बुढ़ापे में जवानी से जैसा जोश है आपका, झूठ भी हो रहा है। ओके रायपुर, रायपुर क्या बात है, रायपुर वालों, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया यार, ये लोग हमारे गेस्ट हैं। हिम्मत शक्ति चश्मा दे दो।
कैसे हो आप? गुरु जी बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है फंक्शन? फंक्शन कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, पूरी टीम बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटके चकोगे? गुड़गांव चलते हैं। गुड़गांव क्या हाल है? गुड़गांव कैसे आप लोग? अरविंद जी जी।
मुझे उत्तराखंड को ले आओ, लाओ यार जयपुर उत्तराखंड गाजियाबाद छोड़ दो यार, और मेरा डिस्ट्रिक्ट तो वैसे मैं छोड़ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बालाघाट लाइव लाओ, सबको लाइव लाओ, कोई नहीं खाना खाएगा, टेंशन नहीं, लेट होने दो, लाइव लाओ। अच्छा ये कहां से बैठी है? अरे वाह वाह वाह, खटीमा उत्तराखंड, आप लोगों को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की सबसे ज्यादा तेज ग्रोथेबल टीम है खटीमा उत्तराखंड, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी अचीवमेंट पाई, और आपके लीडर मिस्टर भंडारी जी ने आपको जो गाइडलाइन दी है उनपे चल के आज आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो। तो खटीमा उत्तराखंड, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, फटे चटो चटो किल्ली आप दो दिल्ली कर दो। ये कहा है शुक्ला जी, बालाघाट क्या आते हैं अनिरुद्ध, कैसे है हमारे बालाघाट वाले मराठा फाइटर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, मेरी तरफ से आपको सलाम, भगवान परमात्मा अल्लाह को वाहेगुरु हमें हिम्मत दे शक्ति दे हम सब मिलकर दुनिया जीते, किसी के घर में बीमारी ना रहे, किसी के घर में बेरोजगारी ना रहे, किसी के भी कोई सपने ऐसे ना रहे जो असली किस्म आने के बाद पूरा ना हो, ऐसे मैदान में डटे रहना बालाघाट वालों, मैदान मत छोड़ना, आपकी लीडरशिप कमाल है, बेमिसाल है, 6 साल बेमिसाल, थैंक यू बालाघाट। भरतपुर शुक्ला जी गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक भरतपुर वालों, अरे ये रियासत का चट्टो जो अंग्रेज में गुलाम नहीं करता है, काली भक्ति, काली भक्ति है यार। शुक्ला एंट्री में आप सबको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद, भगवान अल्लाह खुदा गॉड वाहेगुरु आपको सलामत रखे, तीन गुनी रात चौगुनी आप तरक्की करो, हिम्मत जज्बा बना रहे, कभी ना गिरो, किसी भी हालत में चलते रहो, मैदान में डटे रहो, बस कुछ सालों की बात है जब तुम्हारे सबके पास भगवान ने चाह तो मर्जी जगुआर ओडी बीएमडब्ल्यू रेंज रोवर जैसी गाड़ियां एसलीपीएस परिवार में लाइन लग जाएगी, एक ऐसा दिन जरूर आएगा, आज हमारे पास 100 के आसपास लग्जरी है, 100 लग्जरी है, 6 ईयर्स और मैं गारंटी देता हूं, यह भी लिख लेना कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लग्जरी अपने पास होगी और सबसे ज्यादा करोड़पति भी अपने होंगे, और बचा कोई सिग्नल जयपुर का जरूर दिखा, जयपुर में मेरी बीवी रहती है, बात समझा करें यार। अरे मदनलाल जी कैसे हैं आप? मदनलाल जी नमस्कार, गुरुदेव नमस्कार। मदनलाल जी आपको आज कंपनी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू, और हमारी जम्मू एंड कश्मीर टीम जो हमारे देश का भी ताज है और कहना कि कंपनी का भी ताज है, आप लोग मदनलाल जी जैसे इनोसेंट और प्यारे लीडर मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखे, मदनलाल जी यू आर द बेस्ट लीडर इन एसएलपीएस में, आप जितने बेस्ट लीडर है उसमें एक हो, और आपके लोगों के साथ काम करके मजा आ गया, जम्मू वालों हैप्पी बर्थडे टू यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जयपुर जरूर आएगा, उस चैलेंज को फिट करने के लिए तैयार रहना।